जय हिंद दोस्तों, किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि गेहूं की फसलों में सल्फर का क्या महत्व है, सल्फर की कमी से क्या क्या नुकसान आपके गेहूं की फसलों में देखे जा सकते हैं और सल्फर के क्या क्या फायदे हैं। आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से आपके गेहूं की फसल के लिए पोटाश जरूरी है, उसी हिसाब से आपके फसलों के लिए सल्फर भी जरूरी है। मैंने पोटाश पे एक वीडियो बना रखा है, पूरे डिटेल में समझाया है कि गेहूं की फसलों के लिए पोटाश क्या जरूरी है। आई बटन पे जाएं और जाके देखें और पूरा उसका डिटेल लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि सल्फर के आपके फसलों में क्या क्या फायदे हैं, गेहूं की फसलों में क्या क्या फायदे हैं। मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ कि चीज़ एक और काम अनेक। अब आप बोलेंगे किस तरह से सर ये किस तरह से अनेक काम करता है, तो देखिए क्या होता है कि जो सल्फर होता है वो आपकी फसलों में इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, फंजीसाइड का भी काम करता है, पीजीआर का भी काम करता है और खाद का तो काम करता ही करता है, ये तो आप सबको पता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करूंगा और इसको किस किस रूप में ले सकते हैं, क्या क्या डोज होने चाहिए और इसके फायदे के बारे में जानेंगे और किस किस टाइम में हमको सल्फर कब कब देना चाहिए। तो डायरेक्ट हम चलते हैं वीडियो की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे कर लें जिससे कि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, गेहूं में सल्फर जो देते हैं, सल्फर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम गंधक कहते हैं। आप सब गंधक या फिर सल्फर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको किस किस रूप में मार्केट में अवेलेबल होता है, तो लिक्विड के रूप में तो आपको मिल जाता है, ग्रैनुअल यानी कि दानेदार के रूप में मिल जाता है और पाउडर के रूप में। जो पाउडर होता है वो हल्के से पीले कलर का या फिर आप क्रीमिश टाइप का बोल सकते हैं, उस कलर का होता है। मैंने आपको पहले बताया कि इसका काम अलग अलग टाइप से है, यानी कि ये फंजिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, पीजीआर भी है और खाद भी है। तो इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो सल्फर है, सल्फर की वजह से ही आपके जड़ों का बहुत अच्छे से विकास होगा, पौधे का ग्रोथ अच्छे से होगा, जो तने होंगे, जो तने होंगे वो अच्छे मजबूत होंगे। साथ ही साथ पाले वाले की जो समस्या होती है, कल्लू की जो बढ़वार होता है, वो सब सल्फर वगैरह की वजह से होता है। पौधों में जो हरापन होता है वो सल्फर की वजह से भी होता है, टेक्निकल टर्म है। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा किस वजह से आपके पौधे का हरा भरा सल्फर की वजह से मैटर करता है। तो आप अपनी फसलों में सल्फर डाले हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं डाले हैं तो कब दे सकते हैं और कितनी मात्रा में दे सकते हैं, इसके बारे में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। कभी भी आप अपने फसलों में सल्फर जो डालने का जो समय होता है वो आपकी गेहूं की बुआई के समय डालना होता है। 5 से 7 किलोग्राम आपको सल्फर लेना है। मैं दानेदार वाले सल्फर की बात करूं, इसको क्या करना है, आपके फसलों में बुआई के समय आपको दे देना है। छिड़काव प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 7 किलोग्राम पूरी फसलों में इसका साथ में और सब खादों के साथ मिला के छिड़काव कर देना है। अगर आप पहले टाइम नहीं दिए हैं तो आपका क्या करें, दूसरी जब भी सिंचाई हो फिर पहली सिंचाई हो उस समय भी आप अलग से दे सकते हैं। अब देखिए, मैं तो आपको पहले ही कहा कि इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड, पीजीआर के रूप में काम करते हो। अब किस किस तरह से ये काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं फंजिसाइड के बारे में बात करता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने फसलों में कभी कभी सल्फास वगैरह का यूज़ करते हैं, सल्फास एक फंजिसाइड है, तो ये इसी का ही सल्फर का ही कंपोजिशन है। तो ये क्या करता है, आपके फसलों में जो भी फंगस से जुड़े जो भी रोग होते हैं, फफूंद नाशक से जुड़े जो भी रोग होते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो सल्फर से तो हम फंगस को भी कंट्रोल कर लिए। इंसेक्टिसाइड की बात करता हूँ, तो इंसेक्टिसाइड में आप देखे होंगे कि बहुत सारे सल्फर कंपोजिशन से जुड़े बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं। जैसे कि इन सब इंसेक्टिसाइड की वजह से क्या होता है कि आपके फसलों में जितने भी तरफ के थीप लगते हैं, फिर मक्खियाँ लगती हैं या फिर जो भी कीट लगते हैं, इनसे तो हम छुटकारा पा ही सकते हैं। तो सल्फर की तो ये इंसेक्टिसाइड की काम हो गए। खाद के तौर पे तो मैं आपको बताया कि लिक्विड के भी तौर पे मिल जाता है, दानेदार में भी मिल जाता है और पाउडर में मिल जाता है। अब हम बात करें कि सल्फर को हम पीजीआर के तौर पे कैसे लेते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, सल्फर क्या करता है, जब भी आप अपने गेहूं की फसलों में सल्फर डालते हैं तो ये आपकी फसलों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है। क्लोरोफिल बढ़ा यानी आपके फसलों में हरापन बढ़ा यानी आपकी फसलों का विकास, यानी कि गेहूं की फसलों का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। जब शुरुआती दौर में आपकी फसलों का विकास अच्छे से होगा तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आगे की फसलें हमारी अच्छी रहेगी। खाद के तौर पर मैं आपको बताया कि आपको बुआई के समय क्या करना है, 5 से 7 किलोग्राम दानेदार वाला आपको ले लेना है, दानेदार वाला सल्फर ले लेना है, आपको बुआई के समय आपको दे देना है, प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने पूरे फसलों में छिड़काव कर दे। तो किसान भाई, ये सब थे सल्फर के फायदे। नुकसान की अगर बात करूँ तो सल्फर की वजह से ही आपके फसलों में पीलापन देखने को मिलता है, गेहूँ की फसलों में पीलापन आ जाता है। कभी कभी क्या होती है कि पत्तियों में थिप्स वगैरह भी लग जाते हैं सल्फर की कमी की वजह से, और पाले की जो समस्या है उसे भी आप निजात पा सकते हैं सल्फर डाल के। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी में यहीं तक।
अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ अच्छी किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप क्या करें, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्त यारों तक मेरे वीडियो को जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।